मैं आपके नाल गल कर रहा। आज तकरीबन हफ्ता हो चलिया जब तो यह शुरुआत हुई सी, और थोनू भी तंगी हुई है जिस तरीके नाल असी इत्थे कदम चके ने, उहदे बारे मैं थोनू दो मिनटां च थोड़ा स्पष्ट करना चाहुंदा कि यह बड़ी भयानक बीमारी है। मैं जैसे थोनू पहली बार दस्या सी, दुनिया च तुसी देखो की कुछ हो रहा है, चीन दे विच की होया है, हुण अमरीका दे विच की हो रहा है, कैनेडा, यूके, सारा यूरोप, सारी दुनिया का कोई मेरा ख्याल मुल्क नहीं रहा जिथे ये गल फैल नहीं चुकी। इस करके सानू कदम चकने पे जिदे नाल तुसी भी कुटमा महसूस करते होने हो, घर बैठे हो, बाहर जाने की थोनों इजाजत नहीं, लेकिन यदि लोड़ सी क्योंकि जदों तुसी मिलते हो जा बाहर जाके किसी नूं उतों बीमारी थोनू लग जाती है। और मैं नहीं चाहता सी कि साडा पंजाब वो एजा बने मुल्क जैसे हुण अज विदेशां दे विच मुल्क बने हुए ने। तो इस करके असी ये पहला तो लॉकडाउन किया, ये मोदी साहब ने भी किया, साडे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और असी भी उस लॉकडाउन किया, और नाल दी नाल असी इहदे ते असी करफ्यू भी लाती कि बिल्कुल ये पक्की तरह ये किया जाए ताकि गल नहीं फैलनी चाहती। हुण साडे 39 केस ने पंजाब च, 3 लोग ने जिहड़े बाहरों आए ने विदेशों तो, और जो चौथा जिहड़ा बाहर गया ही नहीं, इत्थों ही किसी तो जिहड़ा कोई विदेश तो आया उन्हों मिल के ये बीमारी उसनों लगी है। यही काम असी रोकना चाहते से कि जिहड़े बाहरों आए ने और जिहड़ी ये बीमारी लियांदे ने वो साडे उरे दे लोगों नूं ना देण। हुण ये लगी हुई है, असी पता कर रहे हैं, लेकिन तुसीं भी हुण अपना अपना थोड़ा जिन्ना रसूख है थोड़ा अपने घरां च बच्चों नाल सारिआं नाल तुसीं ये गल ये अपना उन्हां नाल करो, उन्हां नूं समझाओ कि बाहर जाण दी कोई लोड़ नहीं, अंदर रहो और सुखी रहो ता आपां पंजाब नूं इस काम तो बचाईए। और असी मैं नहीं चाहुंदा कि ये केस हुण पंजाब दे विच होर वधन। वाहिगुरू करे ये कदे साडे अपने साडे सूबे दे विच ना होवे, लेकिन जिस तरीके नाल ये जा रहा काम इहदा मैनूं लोड़ सी थोड़े नाल गल करन दी। तो असी जिथे ताईं साढ़े पहले 2-4 दिन कोई दुख तंगी आई थोनू क्योंकि सप्लाई चेन टुट गई सी, दुध नहीं मिल रहा सी लोगों, राशन नहीं मिल रहे थे, सब्जियां नहीं मिल रही सी, तो वो चीज़ा तो हुण थोनू सब कुछ ठीक हो गया, मिलन लग गया। बैंकों के भी असी दिन तो अज और कल तुसी बैंक जा सकते हो, दवाई लैण वास्ते थोनू इजाजत है कि तुसी पैदल जाके अपने नेड़े की दुकान तो तुसी अपनी कोई दवाई ले लो। तो ये सारिया चीज़ा तो आहिस्ता आहिस्ता होनिया ने, कदों तक चलूगा इस वेले ताईं तां विसाखी ताईं चलू जो साडे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, और असी भी अपना करफ्यू विसाखी ताईं रख रहे हैं, लेकिन बाकी वाहिगुरू दे हत्थ है। एक गल मैं तुहानूं कहना चाहुंदा, उन्हां मेरे वीर जिहड़े बाहरों आए ने, बाहरे सूबा तो आए ने, बिहारों आया कोई, झारखंड तो आया कोई, छत्तीसगढ़ तो आया, जो इत्थे फैक्ट्रियां च और होर कामकारां दे विच लगे हुए ने, भट्ठियां दे विच लगे हुए ने, तुसी मेरे वीरो तुसी वापस ना जाओ, ये थोड़ा घर है पंजाब, असी थोड़ा ध्यान रखांगे, असी रोटी भी देवांगे, थोनू रहण दा भी प्रबंध करांगे, और असी थोड़ी पूरी देखभाल करांगे जैसे असी अपने बंदियां दी करदे हां। तुसी भी साडे बंदे हो जिहड़े तुसी साडे वास्ते काम करदे हो, साडे फैक्ट्रियां दे विच, साडी इंडस्ट्री दे होर छोटियां विच, साडे पट्ठियां विच, ये थोड़ा भी यही सूबा है और तुसी उस सूबे वास्ते काम कर रहे हो, तो तुसी रहो रहो उरे, ये बीमारी है इन्हें लंघ जाना है। उस तो बाद तुसी जिते थोड़ी अपनी रोज़ी कमाते से तुसी वो फैक्ट्रियां फिर लगो। हुण ताईं फैक्ट्री वालियां नूं भी मैं कहना है कि तुसी अपनी लेबर नूं संभाल के रखो, रोटी दिओ, रहायश दिओ, और उन्हां दे जिते तुसी करना चाहुंदे हो अपना काम करो, लेकिन उन्हां नूं बाहर ना जाण दिओ और एक दूजे दे नेड़े ना आउण दिओ। 2 गज दा जिहड़ा फासला है वह रखो ताकि एक दूजे तो थोड़ा दूर रहन। ये डॉक्टरां दा काम है, ये नहीं कि सारयां नूं होया होया है, लेकिन जिहड़ा आपां प्रबंध कर सकते हैं वो साडी ड्यूटी बनती है, वह करिए आपां, तो वह करो। और तुसी उन्हां नूं जद तुसी वो तुहाडे वास्ते काम करनगे दिहाड़ी भी तुसी दोगे उन्हां नूं, सो ये सारिया चीज़ां असी एक रल मिल के आपां नूं एक परिवार सांझ समझ के ये सानूं करनी चाहिए है। तो आप जो जिथे जा रहे ने, जो मैं देखिया सी कल पंजाब तो नहीं गए लोग ज़्यादा, लेकिन जो मैं कल देखिया सी दिल्लीओं जाना बड़े लंबिया लाइना जा रही से यूपी वाल या उधर बिहार वाल, वो साडे नहीं होया और असी चाहते भी नहीं क्योंकि थोनू असी अपना समझते हैं, और मैं चाहना कि तुसी साडे कोल ही रहो और असी साडे नाल रल के आपां इस पंजाब नू तगड़ा करिए और इस बीमारी नू दूर रखिए। अज मैं अपने सीनियर साडे मेरे साथियों नाल, कैबिनेट साथियों नाल और सीनियर अफसरां नाल सारी गलबात की है,
ਔਰ ਦੇਖ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਭੇਜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਬੇੜੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਐਕਸਟਰਾ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।